नौकरी से निकाले जाने की कई गंभीर वजहें आपने सुनी होगी, जैसे बार बार ऑफिस लेट आना, बात बात पर छुट्टी लेना। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि बिना ब्रा पहने ऑफिस जाने पर भी किसी को नौकरी से निकाला जा सकता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक महिला को सिर्फ इसीलिए अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वो उस दिन ऑफिस में ब्रा पहनकर नहीं आई थी। ऐसा ही कुछ अजीब मामला ब्रिटेन में सामने आया है, जहां एक बार में काम करने वाली 22 साल की युवती केट हना का दावा है कि उसे ब्रा नहीं पहनने पर काम से निकाल दिया गया। फेसबुक पर केट ने एक पोस्ट में इस पूरे वाक्या को बताया भी है, और केट ने पोस्ट के साथ ग्रे क्रू नेक वाली टी शर्ट की फोटो भी अपलोड की है, जिस पर उसने बॉस ने आपत्ति जताई थी। किट ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि यार के शायर के एक पब में वो एक टी शर्ट पहनकर आई थी, जिस पर उसके बॉस के भाई ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर सच्चाई बताने पर उसे कानूनी कार्यवाही की धमकियां भी मिल रही थी। फेसबुक पोस्ट में कैट ने लिखा है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने ब्रा पहन से इनकार कर दिया था। कल मेरी मैनेजर के भाई ने मुझ पर बेहुदी टिप्पणी की थी, मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा था। मैं सदमे में थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये सब कुछ जब वो हो रहा था तो मेरी बॉस वहाँ मौजूद थी। बदकिस्मती से उन्होंने भी अपने भाई का साथ दिया और मुझसे कहा कि मैं बिना ब्रा पहने हुए काम करने नहीं आ सकती हूँ, जबकि ये सब कुछ मुझसे 3 स्टाफ मेंबर्स के सामने कहा गया। किट ने यह भी लिखा है कि मुझे मेरे शरीर से शर्म महसूस होने लगी। मेरे साथ जो छेड़छाड़ हुई उसका भी जिम्मेदार मुझे मेरे टॉप को बताया गया। उन लोगों ने बिना ब्रा टी शर्ट पहनकर आने पर मुझे मूर्ख कहकर मेरा मजाक उड़ाया। वहीं एम्प्लॉयर्स का कहना है कि यूनिफॉर्म का पालन करने की कुछ गलत नहीं है, ये हमारी कार्यप्रणाली का एक हिस्सा है। और दूसरी तरफ कई कर्मचारी इसके विरोध में ब्रालेस पोस्टेड लगाने की तैयारी में भी हैं। SPN 9 न्यूज रोम की रिपोर्ट।